नमस्ते, आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी, जिसे कॉमनली पेशेंट यूज करते हैं लेजर स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी, डिसेक्टोमी मतलब जो डिस्क बाहर आई है या स्लिप डिस्क हुई है, वो फ्रेगमेंट या डिस्क का टुकड़ा हमें दूरबीन से निकालना है। पेशेंट इसे लेजर सर्जरी बोलते हैं, पर आइडियली इसमें कोई भी लेजर का उपयोग नहीं होता है। वो आपके सुनने के लिए या समझने के लिए एक अच्छा इजी वर्ड है, और यहाँ पे कुछ भी लेजर से नहीं होता है, ये आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। अब ये करते कब है? ये करते हैं जो पेशेंट्स में हमें शार्प शूटिंग या साइटिका जैसा दर्द हो 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा, और जो कोई भी मेडिकेशन देने के बावजूद, कोई भी इंजेक्शन देने के बावजूद, रेस्ट लेने के बाद भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो पेशेंट्स में हम लोग एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी या कोई भी डिसेक्टोमी सर्जिकल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम 6 हफ्ते से ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हैं, पर मिनिमम ड्यूरेशन एक ट्राई का 6 हफ्ता होना चाहिए। क्यों हम बोलते हैं 6 हफ्ता? तो 6 हफ्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा करके हमारी बॉडी जो सूजन है नसों का, वो 6 हफ्तों में हील कर देती है। अगर वो 6 हफ्तों में हील नहीं कर पा रही है, तो हमें वो आगे हील नहीं होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और 6 हफ्तों के अंदर हील हुआ तो उसकी ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सेटल हो जाए। तो जो पेशेंट 6 हफ्तों के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, या दूसरे कोई पेशेंट जिसमें क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम हो, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब पैरों में पैरालिसिस होना, पैरों में सून होना, पेशाब टॉयलेट का कंट्रोल जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, अगर ये कोई भी सिनारी हो तो ये भी पेशेंट्स इमरजेंसी सर्जरी विद इन 48 आवर्स करवाना चाहिए।